यस अवश्य। नहीं तो भी वो घर में बैठा हुआ है, माँ जी भी घर में है, अब्बू भी घर में है, भाई भी घर में है, तो बात कर लेनी थी। अभी तो टाइम है, नहीं ढूंढ लेनी थी बात कोई। बात कर ली है, अभी मिल नहीं रही उनको 1.5 साल से। 1.5 साल से नहीं मिल रही, हाँ तो खुद कोशिश कर लेना। नहीं खुद नहीं, तो वो जो रिश्ता देखा था उसका क्या हो रहा? कौन से रिश्ते भाई, ये लाइव कॉल है, कौन सी बातें कर रहे हो? लाहौर में जो देखा था, लोर कौन से वाला? ये भी याद कर रहा हूं। अच्छा हाँ हाँ क्या बना हाँ उसका? ये वाला, ये देखो ये जो आया ना क्वेश्चन, शादी नहीं बच्चे को बैटिंग करने दो प्लीज, देखा ये हाँ सही था। बैटिंग तो बच्चा कर रहा है, बैटिंग बॉलिंग भी कर रहा है शेख नहीं साहब। आज का कुछ भी नहीं हाँ कर, आज का कुछ नहीं नहीं, कर। आजकल कोई भी नहीं कर रहा, अल्लाह ताला हमें बचाए इस वायरस से। आजकल तो शदाब सब कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसी बात। या वो हमारे फखर भी, फखरुल हक साहब किधर है हमारे नहीं उसने बोला था वो आएगा। यार, क्या दुराता आऊंगा। अच्छा वो पता नहीं अब किधर चला गया, चलो, सुबह तो अपने इतना फैंस रोला डलवा दिया को आमिर भाई के साथ। फिर मैं देख रहा था, मुझे ना वो वाइफ बता रही थी कि ऐसे से ना चल अच्छा, तुम्हारा हाँ तो दिमाग काम जंग ऐसा है। है या पीछे कोई और था? नहीं, मैं खुद ही था गारंटी। गारंटी। हाँ चलो मैं राइटिंग देखूंगा तुम्हारी, तुम थे या कोई और था। हाँ चेक कर ली, उस टाइम मेरा बड़ा दिमाग ठीक। काम कर रहा था, कभी कभी करता है। अच्छा हाँ नहीं चलो नहीं आप ये फैंस के इस्लामाबाद ना, फैंस के यूनाइटेड आंसर। में, इस्लामाबाद यूनाइटेड में बड़ा जो है ना तुम्हारा काम कर रहा था, रियली इम्प्रेसिव माशाल्लाह। थैंक यू बस, कैसा थैंक यू। रहा एक्सपीरियंस कप्तानी का? बड़ा अच्छा रहा यार, बड़ा मजा आया। अच्छा हाँ फहीम भाई सुने से भी यार, पूछ टेंशन लेना। राणा साहब पता नहीं कितने ने। राणा साहब आजकल उस इतना बड़ा कारोबार वाले तो होती गया अभी। वो अलग वो मैं क्या सी ना, 3-4 साल पूरे लगने ने, वो 3-4 साल लगन के पूरे। नहीं बन गया, ज्यादातर तो बन ही गया। टेबॉल खेल रहे हमारे राणा फेमुल अशरफ साहब। अच्छा चलो, अच्छा बैट स्पीड अच्छी होगी। चलो हसन भाई आपका आया, इंडिया से आया है। क्या अच्छा और ये तो मेरे बारे में था, रहने दो। इंडिया से कहते हैं शताब की तभी शादी, वो वाइफ लेगा। स्टोक्स जैसी मेहनत करो हसन भाई, आपको कह रहे हैं। जी इंशाल्लाह। स्टॉक जैसी वो कैसी मेहनत करता है, पूछना पड़ेगा स्टॉक से। वो देख लो ना, वीडियो बनाते हैं ना, जो लोग वीडियो बनाते हैं लोग समझते हैं फर्स्ट वही मेहनत करते हैं। हाँ ये बात तो है। चलो हम भी फिर वीडियो डाल देते हैं। नहीं ऐसी अच्छा ऐसे मेहनत, ऐसी वालेकुम अस्सलाम। इमाम को भी बुलाएं, सबकी जो जो फैन है वो चाहते हैं उनको भी बुलाएं। अभी मैं ना वो चैनल बना रहा हूँ, उसमें आएंगे सब, हर रोज नया बंदा लेके अच्छा आया करूंगा। हाँ यही काम रहेगा। नहीं अच्छा चलो, कुछ ना कुछ तो घर में फ्री बैठ के कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। लेकिन ये एक चीज है कि यार कैलरीज थोड़ी अपनी बर्न करो ज्यादा, और हार्ट बीट जो ना वो ऊपर लेके जाओ। मैं बस डंबल लेके आया हूँ वॉट आउट दू। अच्छा नहीं, थोड़ा पंजाबी टच होना चाहिए था ना। हेलो सर तो की और तुसी डंबल बड़ी लेके आए हो? हाँ अच्छा, मैं वो कह रहा था जरा हाँ सराकी में वो जरा गिनती तो सुनाओ जरा मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम11 नल, 12 आराम 13 नल, 14 15 16 आराम नल, आराम नल।1 2 3 एक एक दो
डू डू हाँ दो अगे बोल ना, नहीं नहीं डू डू बोल, डू, त्रै, अगे त्रै चार, चार पांच, पांच नहीं तो नहीं तो त्री तो बात शुरू कर त्री, इकत्तरी, बत्तरी, तैंतरी, चौंत, बत्री तैतरी चौंतरी पैंतरी, पैंतरी छत्री, छतरी सैंतरी अरे अठत्तरी, वाह पैचाली उनतालीस, चालीस। अच्छा चलो शदाब साहब आप हाँ अपनी यार, जरा मैं फैंस ना को भी बच्चों को, हाँ बच्चों को मैथ सिखा रहा हूँ ना, मेरी मैथ बहुत अच्छी है। और सलमान भाई कैसे हैं आप? सलमान साहब, बाबर आजम को भी लेके आओ ना प्लीज। हाँ जी बाबर आजम को कहते हैं वो इंशाल्लाह कि वो भी नेक्स्ट लाइव आए एपिसोड में अपने लेके फैन आएंगे। नेक्स्ट वो एपिसोड शहबाज आजिद कोच, में शहबाज कोच भी अच्छा आ थैंक गए, शहबाज आजिद को। हाँ यू शहबाज शबाज साहब आजिद लिखा है ना। लव फ्रॉम गिलगित थैंक यू भाईजान थैंक यू हसन, हसन भी अपना बच्चा दिखो। यार वो मेरा बच्चा नहीं है वो मेरे भाई का बेटा है अभी इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह ताला मुझे भी देगा इंशाल्लाह। लव फ्रॉम जर्मनी थैंक यू सो मच फ्रॉम जर्मनी शदाब का वॉइस शिदाब बहुत बाबू, अच्छा है वाह शदाब थैंक यू साहब थैंक यू थैंक यू लव फ्रॉम थैंक इंग्लैंड यू थैंक यू वी वांट थैंक यू। बाबर वर्सेस विराट लव फ्रॉम पिशावर लव फ्रॉम पिंडी कोई बॉय क्वेश्चन ही आए ना, क्वेश्चन आए ना, क्वेश्चन लव लोगों, फ्रॉम क्वेश्चन नहीं आ यूएसए रहे। अहसन साहब, आपका पीएसएल कैसा रहा इंजरी के बाद आए तो? यार ओ मेरा मूसा भी आए, सब पीएसएल है मूसा ही। मुझे डब्बू, यार किधर है डब्बू चलो लगता अभी खाने वो से मैसेज फ्री आया। हुआ अच्छा हाँ अच्छा बताओ यार जी शदाब अपना पीएसएल। पीएसएल थोड़ा मेरा अच्छा नहीं रहा कोई 8-9-10 आउट ही किया मैंने लेकिन ये है कि इंजरी के बाद परफॉर्मेंस सिक्स वाइज, मंथ के बाद परफॉर्मेंस वाइज नहीं पूछ रहा मैं, हाँ नहीं वैसे परफॉर्मेंस बता वाइज रहा नहीं हूँ पूछ रहा। कि जब आप 6 महीने के बाद आपके क्रिकेट खेलते हो थोड़ा मुश्किल होता है आपको रिदम चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो काफी अब हद तक अच्छा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूँ प्रॉपर और जैसे ही मौका मिलेगा टीम में इंशाल्लाह आई'ल डू माय बेस्ट अच्छा हाँ जी इंशाल्लाह। चलो ये तो जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि यार आप फिट हो गए हो, पाकिस्तान को बहुत अच्छा जरूरत है आपकी। आपकी तो नहीं जरूरत ना तो यार ये जो आप हरकतें करते हैं टीवी पे, ये कौन सी हरकत? कौन सी नहीं हरकत हमारी तो जरूरत है ना, हम ऑलरेडी पाकिस्तान टीम है ना, तो आप इंजरी के बाद अच्छा जी वापस आएंगे ना। आपको कन्फर्म है आप टीम में हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा अभी तक कंफर्म है, चलो अभी तक। ठीक है चले जी इंशाल्लाह हम भी होपफुल हैं इंशाल्लाह हम भी टीम में वापस आएंगे बट टीम से मैं निकला तो नहीं हूँ शादाब तुझे क्या लगता है मैं टीम से नहीं निकला वही तो हूँ कह रहा, इंजरी के बाद आए हो ना, वापसी है ना, कमबैक हो ओके रहा है। ओके हाँ जी मेरे इंशाल्लाह भाई का इंशाल्लाह मैसेज आया है जी, डिफिकल्ट क्या बैट्समैन यू फेस्ड, शादाब बैट्समैन खान को। हाँ मैं तो बच्चों की तरह मारा, एक इधर जिसका छक्का, कोई एक पता उधर, नहीं एक जिसका इधर कोई पता नहीं छक्का, कुछ भी कर सकता किसी भी टाइम क्या कुछ भी कर सकता, प्रॉपर बैट्समैन भाई, प्रॉपर। जी 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 हाँ हाँ ये ड्रामेबाजी, आप ये ड्रामेबाजी आप नहीं चलेंगे, ठीक है ना? ये आके आप बच्चों की हाँ तरह हमें टप्पा मारेंगे तो हम बच्चे नहीं रहे अब। जी 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 हाँ पता है आप बड़े हो चुके हैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि शादी कर लो दाढ़ी आ गया मेरी। शदाब आप नंबर 4 पे क्यों नहीं खेल रहे भाई किधर पाकिस्तान टीम में मैसेज आया खिलाएं, मुझे खिलाएंगे तो खेल लूंगा। अच्छा खेल लोगे आप हाँ जिधर मर्जी हाँ खिलाएं, अब वैसे भी फ्लेक्स, बड़े हो गए हो फ्लेक्सिबल, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, जिधर मर्जी खिलाएं। अच्छा चलो ठीक है छिक्के तुम बहुत मारते हो चलो इस पीएसएल में देखा हमने जिस दिन मुझसे बड़ा छिक्का मारोगे ना उस दिन मुझसे बात करना छिक्के की यार बड़े बड़े का एक्स्ट्रा रन मिलते हैं, बड़े छक्के है के, नहीं नहीं बड़ा छिक्का तो बड़े कोई बड़ा छक्के होता है के ना एक्स्ट्रा रन मिलते हैं।
पर कमेंट्री वाले बड़े भी छक्के कहते हैं कितने रन, बिगेस्ट सिक्स ऑफ द मैच। बड़े छक्के के कितने रन होते हैं ये बताओ। अभी नया रूल आ रहा है, आठ आठ रन हुआ करेंगे। जो 100 मीटर सुपर लगेगा ना उसके 8, और जो 90 मीटर सुपर लगेगा उसके 7 रन। हाँ तो बस ठीक है, फिर मैं 120 से ऊपर मारूंगा। चल ठीक है, 120 से ऊपर मारो तो फिर तुम बाहर तुम्हें लेके जाएंगे। नहीं, असल में ना यार मेरे में पावर बहुत है, तो मैं ना वो जाया नहीं करना चाहता। ओ आमिर भाई आ गया जी, आमिर भाई ओ अच्छा बस ओए बस करो, बॉलिंग। बॉलिंग की बात कर। आमिर भाई अलग अलग करके रन हुए, तो मैं तो बैटिंग की बातें करूंगा। नहीं आमिर भाई को कोई चौका छक्का मारा है? आमिर भाई को पहले ही कट पे चौका, फिर उनके बाद उन्होंने मुझे ना बड़े सुनहरे लफ्ज बोले थे। वो बनते थे तुम्हारे। मैंने पहली बार मैंने कहा आमिर भाई नहीं कट पे चौका, फिर उन्होंने काफी अच्छा सुनहरे लफ्ज बोले थे, फिर मैंने कहा थैंक यू आमिर भाई। देखो वो उस बात का आपने टेंशन लेनी है, क्रिकेट में होता है। अगर ये नहीं सब हो तो क्रिकेट का फिर मजा नहीं आता नहीं आपने भी सुनहरे लफ्ज इस्तेमाल किए थे पहली बॉल के ना। बाद। यार वो प्यार से मैंने बोला था, वो मेरा प्यार था, हाँ हाँ बस थोड़ा गुस्सा था मैच उसमें। को दौरान कौन सा वो जो रन आउट था ना उसमें बड़ा प्यार था मेरा, जो मैंने उसको सिर्फ गुस्सा किया, बाकी प्यार बहुत था। बट टीवी टीवी पर नजर आ रहा था जो प्यार था ना। अच्छा प्यार रन देखो आउट होने के बाद भी तू जिद खुश हुआ? हाँ देखो जिधर ज्यादा प्यार होता है ना उधर गुस्सा भी ज्यादा होता हाँ ये बात तो है। है। हाँ देखो ये देखा, मैं अपना मेच्योर हो रहा हूँ। हाँ जी माशाल्लाह, लड़की ढूंढते हैं आमिर यार भाई, मतलब। आमिर भाई किधर हैं, कितनी आमिर कैरीज भाई बंद हो रही चले है। गए क्या? नहीं, इधर ही हैं वेले, तीन बंदे हमारी तरह वो भी। वो एक बंदा कह रहा है कि आप मिसबा भाई को भी लाइव लेके आओ, ये शदाब भी लेके आ सकता है भाई। नहीं कोचेस पता नहीं आते हैं कि नहीं आते। नहीं आप लेके आओ, आपके तो डबल डबल कोच हैं। हमें भाई कैसी जा रही है आपकी ट्रेनिंग, वालेकुम सलाम भाई लोग। हर इंसान को गुस्सा आता है, मुझे भी आता है कभी कभार। वो आया था वो क्या है आमिर भाई कह रहे हैं, हाँ शदाब की मान जाएंगे हाँ मिर्जा मेरी मान जाएंगे, मैं सिलेक्टर हूं ना। नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो तुम कप्तान हो भाई, और कप्तान सब कुछ होता है। मेरी कौन कौन है। नहीं वो बिजी होते हैं यार, वो काफी बिजी होते हैं, मुश्किल ही है। आजकल तो शायद ही हर कोई फ्री होगा यार। उनकी जगह मैं यासिर भाई को ला सकता हूँ। हाँ यासिर भाई को लेके आओ। नहीं वो बिजी होते हैं, वो ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं। यासिर भाई ठीक हाँ उनकी जगह मैं आमिर भाई यासिर भाई को लेके आ सकता हूँ अगर आप कहते हैं। भैया हमें पता है सिर्फ दो बंदे कैसे लाइव आते हैं, वो भी मैंने यूट्यूब पे देखा कैसे आते हैं लाइव। तीसरे तीसरे बंदे का नहीं पता वो कैसे आता है लाइव। यार, चेक करते हैं ना यहाँ से। हाँ आमिर भाई ने कहा बैटिंग ऑर्डर ऊपर किया था तो बात तो मानते हैं वो कभी। तो सही तो कह रहे हैं। नहीं बात तो मानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बात नहीं मानते, लेकिन वो अभी बिजी है ना, उस टाइम फ्री थे टीम अच्छा के अच्छा साथ ठीक है ना। ठीक अच्छा चलो, ये आपके फैन सिद्धार्थ साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो उनका आप जवाब दे दो बस। शिदाब साहब सबसे डिफिकल्ट बॉल किस बॉल को फेस करना था पीएसएल में। पीएसएल में कौन था यार, वो टैमी मिल्स उसकी स्लो वन ही चेक होती। हाँ यार उसकी मुझे भी एक लगी थी स्लो वन बहुत जोर से। अच्छा उसने मुझे स्लो वन की पहली, अगली तेज की मैंने सिंगल ले लिया, मेरे से इंग्रम खेल रहा था। मैंने कहा इंग्रम अच्छा तुम इसको सारा ओवर खेल, जो अगले जो भी आएंगे ना उनको मैं खेल लूंगा, खैर है तू इसको पूरा ओवर खेल दिया। उसने फिर शैडी छक्का आपके चौका बाल मारा। वापस आ गए, आपको कैसा लग रहा है?
ओ यार मैं सोच रहा दोबारा अटेंड करा लूं यार, टेंशन ही होती थी। नहीं नहीं रहने दे, वो टिंड में तू बहुत वो लगता है, शिदले शाह की चुई लगता है। नहीं, हु इज योर फेवरेट बैट्समैन हसन भाई आपका? माई फेवरेट बैट्समैन इज बाबर आजम। मैं नहीं हूं। और तेरा कोई पता नहीं है तूने क्या करना यार एक तो प्रॉपर बनने की ना वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है इस टाइम। हाँ प्रॉपर बंदे की वैल्यू है तो सही, बाबर आजम माशाल्लाह देखना हाँ तू। तो मैं नहीं प्रॉपर, नहीं वो तो माशाल्लाह ना आउटस्टैंडिंग। ये आमिर भाई क्या कह रहे हैं, शेडी पढ़ना जरा, मेरे पास कम आ रहे हैं कमेंट्स यार। हस हसु आरजू का क्या मतलब है? और यार और बोला होगा, एक मिनट हसन। आर यू ने असली नाम ले लिया शेडी का। हाँ मेरा नाम असली? आमिर भाई बड़ा मुश्किल लिखा है, नहीं समझ आई मुझे। हस ओ अच्छा, अशदुल्ले शादी चुई। अच्छा, ओ अच्छा, भाई लगता है आमिर भाई ये भाभी रिप्लाई कर रही है ना, आप तो अभी बिजी होंगे, काम कर रहे होंगे। रहे शदाब भाई, बाबर आजम ने आउट स्पिन क्यों छोड़ दी? क्योंकि वो भाई अच्छी बोलिंग था, वट्टा मारता था, इसलिए छोड़ एक दी सौ उसको। पांच 105 डिग्री था वो, 105 डिग्री था। शदाब साहब, बाबर आपका आजम वो यार ये शेडी गर्ल वाला सीन क्या था, वो भी बता दो, वजाहत कर दो आज। शेटी गर्ल वो लड़की कितने कुछ चक्कर हैं फलक आपके शेर भी यार एक ही। फलक फलक। भाई सलाम वालेकुम। शदाब आप लाहौर के अंदर ज्वाइन कर लो। हाँ लाहौर कलंदर या इस्लामाबाद वाले, जिधर मैं मेरी ये कोशिश होती है जिधर चला जाऊं ना उधर ही रहूं। अब जब ये निकालेंगे फिर किसी ने ले लिया तो ले लिया। हमें पे ही ना करो, अब मेरे बाल आ गए हैं। जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए ना, बता दे कि इसका कोई नहीं था अफेयर किस उसके लायक साथ, कुछ भी नहीं था, सारा कुछ बता दे। लोग परेशान बैठे हैं बेचारे, लोगों को पता चलना चाहिए। नहीं कुछ भी नहीं था। तुझे नहीं पता? तुझे नहीं पता कुछ भी नहीं था? मुझे तो सारा कुछ पता है ना, लोगों को बताओ ना। लोगों क्या बताना? मुझे सारा पता, सब नहीं कुछ फेक लोगों था। को क्या बताना यार, तो बस जो अल्लाह को पता है ये अल्लाह और मेरा मामला है, छोड़ो लोगों को। हाँ जी बस। आप शदाब अब भाई ये मोस्ट 20 दिन डिफिकल्ट से बैट्समैन टू बॉल इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ओ बॉलिंग की है यश अभी T20, किधर? ओ टी टी ट्वेंटी ट्वेंटी अच्छा उसने एक बॉल डॉट नहीं खेला। जी। वो ऐसे खेलता था कि वो जिस तरह बच्चे हमें नॉकिंग नहीं कराते अच्छा आमिर भाई कह रहे हैं चल ऐसे। बता दे, वो वरना कोरोना कोरोना सुन के मीडिया से पागल हो गए। हाँ जी आमिर भाई, आमिर यही भाई कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आज कोई नई जो है ना वो न्यूज आ जाए, और ये नई न्यूज यही है आमिर भाई के कुछ नहीं था, सारा वो फेक है, और अगर ऐसा कुछ होता तो ऑब्वियसली मीडिया के सामने आता, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है मेरा दोस्त बिल्कुल पाक साफ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई एक कोई पूछ रहा है कि हसन अली का जन्म डलवा सकते हैं? शैडी यस सर। अच्छा शदाब की बैटिंग
इम्प्रूव कैसे हुई बताओ जरा। मैंने यार वो बांग्लादेश में थ्रो डाउन के वो बंदे थे ना, उनके बेचारों का शोल्डर ही निकलवा लिए जिस तरह बाबर करता है। भाई हाँ लॉकडाउन आमिर भाई, कैसे बाहर स्टार्ट, लॉकडाउन है, कैसे स्टार्ट होगा? हसन भाई गिफ्ट का थैंक्स, फलक भाई का भी यार ये, जवाब दें, यार बाबर मैं भाई आपको वालेकुम कह रहा हूँ कि सलाम, इसको रहने दो, आप इसको रहने दो, इसका फलक भाई रिप्लाई को नहीं करो। बाकी लीग्स में चेंज करता रहता हूँ, वैसे बताओ ट्वेंटी ना कि वो नाइन में स्मिथ का नंबर है तो इसलिए वो पहन नहीं, वो के फोर्टी खेलता हूँ। नाइन है स्मिथ का, 7 मेरा वैसे फेवरेट है 49 स्मिथ की वजह से, और 29 अलग तरफ से आया। यार ये कोई पूछ रहा है कि पीएसएल में सबसे अच्छा मोमेंट क्या था। मैं बताऊं, जो बारिश की वजह से बताओ। हमारा मैच रुका था और मैं शदाब को तंग कर रहा था बड़ा ही अच्छा था इस टाइम कसम से उस टाइम, मेरे यार, भाई को बहुत गुस्सा आ रहा था। अल्लाह अल्लाह करके यार इतना मारा था। और राणा किधर है? आमिर भाई वो टेप बॉल खेल रहा होगा इस टाइम, बिजी होता है बड़ा। नहीं, बारिश हो रही है यहाँ पे हमारी साइड पे, तो इस टाइम मुझे सामिया भाभी किधर है? वो रोमीजा आई थिंक मुझे भी नहीं पता किधर है। रोटी बना रही होंगी। नहीं, रोटी नहीं बना रही, बैठी होगी, मूवी शूवी देख रही होगी कुछ। हसन आपकी वाइफ का म्यूजिक सॉन्ग। शदाब्री शदा भाई पीएसएल में बहुत अच्छी बैटिंग की, इंशाल्लाह इंटरनेशनल में भी करना। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। फखर कहाँ रह गया? हमें खुद नहीं पता कहाँ रह गया वो। हैदर अली का बताएं जी, हसन भाई आपकी राणा आप टीम में लोगों का था। पता किया। यार फलक भाई राणे को कॉल करें, उसको बोलेंगे हाँ लाइव है, फलक भी फोन करो राणे को। चुप के बात कर रहा है हसू तो भाभी से। आमिर भाई मैंने सुबह आप लोगों को क्या बताया, आप सब लोग इतना डरते हैं, इजाजत लेते हैं, कम ऑन यार, ऐसे होता है, ऐसे होता है शादी के बाद। यार आमिर भाई आपको किसने बताया? ये आमिर भाई को बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए आमिर भाई अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। भाई मैंने उनको भी ना एक्सपीरियंस है शादी, ना, एक्सपीरियंस है ना, वो भी ऐसे ही आते हैं। मैंने आधा घंटा मैंने लिया था अपनी वाइफ से कि मैं बात कर लूं। दो आधा घंटा पूरा हो गया। नहीं, खैर शादी, हम दोनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? तुझे आमिर भाई कह रहे हैं हाँ ऐसे ही होता है। नहीं, आमिर भाई को तो बहुत एक्सपीरियंस है ना, उनके माशाल्लाह 3-4 साल हो गए आमिर भाई आपको कह रहे हैं शादी के जो जब जो करना है कर लो। बेटा हाँ वो एक सॉन्ग है ना कि नहीं यार अपना टाइम ऐसे तो आएगा, बेटा नहीं तेरा टाइम आएगा। यार, मैंने देखो जब मैं शादी करूंगा ना उसके बाद सोशल मीडिया यार वो वैसे भी फजूल है, आप नहीं यूज किया करें सोशल मीडिया, मैंने ये कहना है। जी ठीक है जी मैं जी आऊंगा ही नहीं, आऊंगा ही नहीं, पहले से मैं मांग, हाँ मैं जी तो पहले से मांग हूँ। तुम लोग बातें करते थे हसन साहब, बातें करता था मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, वही साहब हुआ ना। अच्छा शैडी छोड़ यार, तुम कैसे रेट करते अपनी जो 50 की थी वहां पे लॉर्ड्स में? लॉर्ड्स में ओ हो हाँ माशाल्लाह यार बहुत अच्छा था, मुझे सबसे ज्यादा आमिर फेवरेट भाई, वो थी आमिर भाई आयरलैंड इसकी वाली, वो शादी जो मुश्किल है थी। ना, शादी जरा होने दे फिर उसको पता चलेगा। और जिस तरह की ये लड़की ढूंढ रहा है ना, मैं आपको बताऊंगा अकेले में, देखना इसका इसकी क्या हालत बनाएगी वो। क्या बात अच्छा हाँ शैडी, इस वो मैंने सुना था कि जो आयरलैंड में तुमने 50 की थी, वो उस अगले दिन रात जब तुम सो रहे थे तो तुम्हें ड्रीम में आया था कि बॉल स्विंग हो रहा था ड्रीम में भी, ये ट्रू है? उधर नहीं था वो, लीड्स, वो लीड्स में था, लीड्स ड्रेसिंग रूम में में था? ना। अच्छा हाँ हाँ लीड्स में था।
पहली हमारे हम मेरे ख्याल 150 पे आउट हुए थे ना, 150 पे ऑल आउट हुए। हाँ उन्होंने किया कोई 350, जिसमें आप भाई ने कैच छोड़ा था मेरी बॉल पे, बटलर का, जी जी उसने जी हमें फिर मारा था। फहीम भाई को याद ये होगा, बताना उसने जरूरी था देखा उसने मारा बताना जी। जरूरी था। अच्छा ठीक है, उसके बाद ना अब हमारी सेकंड बैटिंग आई ना, तो मैं आके ना थोड़ा ना सो गया। मैंने कहा अभी थोड़ा लेट ही आएगी ना बैटिंग, अब मैं सोया उठा। हाँ अब ना अब मुझे ना मैंने कहा कि यार वो स्विंग हो रहा है, मैंने ऐसे लेफ्ट किया ना, मैं टेबल से गिर गया, मैं आउट गया। आमिर भाई कह रहे ड्रेन हैं है बहुत टफ कंडीशन। ना नहीं, लेकिन इनका जब शोल्डर शोल्डर का प्रॉब्लम होती है ना, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। मैंने तो इनको बोला हुआ है हर टाइम अपना शोल्डर खराब रखा करे। तो फलक भाई उसको उठाए ना, और उठा के उसको बोले कि हम बुला रहे हैं। क्या पहले YouTube भी देख ले तीसरा बंदा आता है कैसे। वाह क्या मासूम लड़के को तंग कर रहे हो हसन, ये कहां से मासूम है। ये देखो ना शक्ल, शक्ल से बिल्कुल मासूम भाई सरफरा सैफी भाई को हम मैं तो मिस करता हूँ, हसन भी डेफिनेटली मिस करते ही होगा। नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसी है शैडी तू बड़ा वो है, वो। मैं क्या बताऊं क्या नहीं, मैं फिल इन द ब्लैंक्स अपनी तरह से सोचूंगा ना, उन्होंने वो लिखा है, अब जो मुझे बेहतर लगेगा नहीं मैं वही सोचूं। नहीं ये क्वेश्चन मुझसे किया ना, मैं बता सकता हूँ। नहीं, ये अब उन्होंने लिखा है, अब मैं अपनी तरह से जो मेरे दिल में आएगा मैं वही सोचूं। यार ये वो फलक पिंडी भी क्यों बॉय मैं एक ऐसे तंग मैसेज कर। आया, पिंडी बॉय और हाँ मासूम देख लो भाई, मेरा तो सिर्फ शदाब तक की है रिलेशन, तो पिंडी बॉय तो फिर भाई मैं किसी और पिंडी बॉय को नहीं कुछ बोल सकता। वहां पे आमिर भाई भी पिंडी बॉय है हाँ मेरे भाई भी पेंडिंग हाँ ये भी एक किसी ने बोला 3 मैन इंस्टा में नहीं आते, चलो शुक्र बड़े है पेंडिंग बॉय हो गए हैदर अली नहीं कैसा आते। है। हैदर अली चलो बहुत सही अच्छा है, फिर प्लेयर है बेसी और होने से बच उसमें गए। पोटेंशियल है कि वो इंटरनेशनल खेल सकता है। ओ जी ओ सिलेक्टर साहब, नहीं, मैं सिलेक्टर नहीं हूँ यार। शदाब कैसी लड़की चाहिए आपको? ओ छोड़ दो रिश्ते वाली फूफी। शदाब इज वेरी हैंडसम एंड वेरी क्यूट वेरी इंटेलिजेंट माशाल्लाह। आई मुझे वन वर्ड अपने फॉर हारिस रऊफ, वन हारिस फिफ्टी रऊफ। 150। परसों आया था मेरे घर वो और मूजा, अच्छा वो उनको बोलो क्या घर में करवाने बैठो आए थे भाई। पता है, क्या 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 करने आए थे। शदाब अपना फुल एंड 100% जो है वो एफर्ट करें टीम के लिए, और आप जैसे जब तक सीनियर प्लेयर हमारी टीम में होंगे, और इंशाल्लाह हमारे जो यंगस्टर आने वाले हैं या जो हम जैसे जो भी लड़के हैं वो इंशाल्लाह वैसे ही एफर्ट करेंगे। सही सही इंशाल्लाह बोले थैंक यू सो मच आमिर भाई। ये तो अब इसको ना ये क्लासेस ले रहा है भाभी से ना, कि ऐसे बोलना पड़ता है। ये अब भाभी इनको ना नेगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन करती है, उसके बाद इसको ना पॉजिटिव आंसर देना पड़ता है, तो ये सीख रहा है भाई, ऐसा ऐसा ना, तो रोज वन आपको आवर की क्लास होती है नजर। मेरी, ठीक हाँ वो पता है, चल रहा है, जिस तरह बोल रहे हो ना पता चल रहा तो 1 आवर की क्लास ही है होती है कि यार। ये डिशेस सब ना कैसे मेरे धोनी है। शादी का पूछ रहे हैं, सब मेरे तो मैं शादी का बता दूं पूछ फिर, रहे हैं। अनाउंस कर लूं मैं फिर। हाँ हाँ तू कर दे। हाँ नहीं नहीं रहने दे, तुमने मुझे कसम दी है रिश्ते वाली पुप्पी। यार आमिर भाई ये पता है मुझे, मैं चाहता हूँ कि ये भी जल्दी जल्दी से शादी करे, और इसको पता चले कि शादीशुदा लोगों की जो पेन है ना वो इसको फील हो।
कोई पेन नहीं है, कोई पेन नहीं है। सोशल मीडिया उसके बाद नहीं यूज करना, ठीक है, वो सेहत के लिए वैसे ही नहीं अच्छा। तो टाइम टाइम जाया होता है इसमें, सोशल मीडिया में। घर वालों को टाइम देना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, शादी के बाद फैमिली को टाइम देना चाहिए। जी, और हाँ कितना सर, टाइम दूं, मूसा और 21 तारीख का घर में गुस्सा हुआ हूं। मूसा और हारिस का पता था क्यों आए थे? हाँ सोच अच्छा क्यों आए थे? कहते यार घड़ी सेट करके यार वो दे। इसका मैं तुम्हें बताऊं, मेरी 3 दफा ऐसे हो चुकी हुई है, 3 दफा वो डिस्कनेक्ट हो जाती है खुद ही, और वो उसको फिर दोबारा से उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। नहीं, मेरी तो नहीं हो, बट मेरी होगी है, तो हो सकता है उसकी भी हुई हो। नहीं मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ना, अब तो ये भाभी से कराना पड़ता है ना, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं खुद कर लेता हूँ कि भाभी से कराना पड़ता है। नहीं, ऐसे काम भाभी से सब सारे काम, या फलक भी क्या ड्रामेबाजी, हाँ हाँ लिखी जा रहे हो, कोई काम है नहीं, हाँ हंसी जा रहे हैं। कौन है? तो फजूल सा फलक लड़का भाई, होगा कोई। ओ अच्छा, हाँ, यही फजूल से। भाई शदाब की कोई एंगेजमेंट नहीं हुई, ये फलक जो है ना ये झूठ बोल रहा है, और शदाब स्टिल कोई लड़की देख रहा है, और अभी तक कोई इरादा नहीं उसका शादी का, और जैसे ही मिलेगी इंशाल्लाह नहीं, मैं शादी सबसे का पहले इरादा आपको न्यूज़ है, दूंगा। इरादा है, लड़की मिल जाएगी शादी हो जाएगी। अभी कोई इरादा नहीं है ना, हाँ अभी तो वैसे भी कोरोना आया हुआ बस कोरोना से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, और है। हम सबको आमीन। एहतियात करनी चाहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और शैडी, ये एसन को आपने ब्लॉक क्यों किया? ऐसा कौन पता नहीं, एसन है कि अल्लाह जाने एहसान है? यार, पता नहीं, अब दोबारा शक्ल देखेंगे पता चल जाएगा। बाबर को लाइव लाओ ना भाई, लाएंगे अगले अगले नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड में, उसको जरूर लेके आएंगे। यार देखो ये कोई गालियां दे रहा ओहो अस्तगफुल्लाह अस्तगफुल्लाह भाई, गालियां नहीं देते यार। यार। ये हमारा क्या नाम था इसका यार, वो जो नशे में हम भाई था, कह रहे हैं इसका आज सेल्स, क्या निकाह नाम इंस्टा था? पे ही होगा। आमिर भाई, पहले मेरा हुआ ट्विटर पे सुबह, ठीक है, उसमें गवाह दो थे, अब तीसरा गवाह आया इंस्टा पे। तो और ये है। तीन पूरे हो गए। क्या शेडी क्या पूछ रहा था? यार ऐसा, हमारे मैसूर का क्या नाम था, जो साउथ अफ्रीका का था, सरजियो, सरजियो सरजियो शदाब, किधर ना है बेस्ट फास्ट बॉलर फॉर मी। ये? सरजियो ने कमेंट्स सर्जियो, किया। सर्जियो आर यू मैड, अच्छा आई एम ए स्पिनर। रुमान रईस वसीम के शाह बारे में सुना बहुत ही सब अच्छा कुछ बॉलर, बोलो। रुमान रईस माशाल्लाह बहुत ही अच्छे इंसान है और उतने अच्छे क्रिकेटर हैं। शैडी द फ्यूचर कप्तान, फ्यूचर कप्तान फॉर व्हाट? पाकिस्तान टीम। अल्लाह जाने यार, ये फलक भाई को यार ब्लॉक। आमिर गला भाई नहीं कह है तेरा निगाह रहे में। नहीं, आमिर भाई पठानों की वैसे भी गवाही नहीं मानी जाती, वैसे भी दो शैडी ये ही थे। कोई शैडी कोई मारा है, उसको बर्थडे विश कर दो। हैप्पी बर्थडे मारो, नहीं सही, गुनगुना के कर। नहीं, गुनगुना के, अल्लाह माफ करे, नहीं कोरोना नहीं आया सही मैं, तरह से। नहीं सही तरह से हैप्पी बर्थडे हमारा। हाँ, नहीं सही, उसको विश भी तो करना ऐसे, हैप्पी बर्थडे, बस उसको सही प्रॉपर विश कर। हाँ मैं जाके केक लेके जाता हूँ ना उनके घर, तो फिर प्रॉपर नहीं करते नहीं हैं, बस उसको कोई दुआ होगी। दे कोई, उसको सही जिसना तू वीडियो बनाता है अल्लाह हैप्पी बर्थडे ताला की, आपको, सीरियस होके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कोरोना से महफूज रखे आपको और आपकी पूरी फैमिली को।
और आप सब लोगों को हंसता मुस्कुराता रखें शेडी को हमेशा। इंडिया से आमीन। बिगेस्ट फैन ऑफ बहुत, थैंक यू सो मच, आपका नाम नहीं है थैंक यू वहां पे सो लेकिन मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं हसन के तो होंगे जरूर, आपके तो होने भी चाहिए इंडिया से। नहीं हसन भाई गुजरांवाला से हैं जी, मैं गुजरांवाला से हूँ नहीं दिल्ली से है, दिल्ली से। दिल्ली से मेरी वाइफ है। वही ना, वाइफ की तरफ ही जाता है बंदा। शदाब आपके रिव्यूज इतने परफेक्ट कैसे होते हैं, वाह, बताओ जी। वाह, तुक्का मारता हूँ आखिर में लेता हूँ मैं, जब भी एंड होता है ना तो मैं कहता हूँ सैफी भाई, सैफी भाई को हमेशा ही बोला मैं, सैफी भाई लास्ट बैट्समैन, लास्ट ओवर है, ले ले ना भी हो फिर क्या हो जाएगा। वो कहते ऐसे ही हाँ लपका आप कर लेते। देख, मैंने 13 आउट किए थे, आमिर भाई के 10 आउट थे, जुनेद भाई के भी 10 आउट थे, और आमिर भाई ने फाइनल में बहुत अच्छा स्पेल किया था। फखर ने 100 पता नहीं कितना किया था फाइनल में, ठीक है। और जिसकी परफॉर्मेंस थी वो माशाल्लाह फेमस हुए चैंपियन ट्रॉफी में। तू एक रिव्यू पे कैसे फेमस हो गया? देखो ये अल्लाह की देन है, अल्लाह हाँ ने जो बट सरजी को बहुत मैसेज क्लोज पढ़ा, था। किधर है सरजी को मैसेज ये? पढ़ा हसन वेयर इज आलू। हाँ ओ आलू स्लीपिंग, सजीव आलू इज स्लीपिंग, वन ऑफ माय फ्रेंड ही कॉल्ड हिम एंड ही आस्क्ड हिम बट ही स्लीपिंग नाउ। बाब शादी वाली पप्पो, बाबर की कोई गर्लफ्रेंड है, कोई पूछ रही ये है इमाम से पूछो क्योंकि ना। इमाम उसके बहुत क्लोज है और इमाम आपको बताएगा। शदाब खान योर बिगेस्ट फ्रॉम पिंडी। थैंक यू शदाब यार, ओडिया मैच में नंबर 3 पे वो तीसरा दूसरा है। ओ अल्लाह अकबर। तू तीसरा बच्चा बोल रहा है यार, तीन है नहीं उसके बच्चे मैंने 2 बोले हैं फखर भाई, तीसरा इसने बोला है। नहीं तू बता, तीन है कि नहीं नहीं अब तू बोल रहे तो 3 होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने 2 मुझे तो पता है। ठीक है फखर भाई, तीसरा इसने बोला है। तू बता, तीन है कि नहीं तू बोल रहा तो 3 ही है। अच्छा बस तू बोला तो तीन है, तो बस तीन है। सद्दव हाँ बस पीके सही है, मैं 2019 फखर भाई को यार, बता बहुत दूंगा। सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं और वी रियली सॉरी कि अगर किसी का रिप्लाई नहीं हम कर सकते, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि खुद भी बात करें और आप लोगों को एंटरटेन भी करें और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, जो रिप्लाई आ रहे हैं उसका भी जवाब दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं हसन भाई, आप देखा है आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है यार। मैं इसलिए कह रहा हूँ शादी कर ले, तू भी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी तुम्हारे में ना, परफेक्ट हो जाएगा। और बेटा फिर देखना कोई भी जी रिव्यू ठीक नहीं होगा। मैं परफेक्ट होना भी नहीं चाहता ना यार, परफेक्ट नहीं होना चाहिए बंदे को, हर टाइम कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कोई ऐसा मैच कोई बताओ जो बिल्कुल ना पसंद हो, बताओ शदाब, जो हारे हैं वो नहीं पसंद होते। ऑब्वियसली वो थोड़ी पसंद होते हैं, लेकिन हाँ कोई एक ऐसा मैच जो हारे और पसंद हो। मुझे जो हम लीड्स में मैच हारे थे ना, वो बहुत मुझे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी मिक्की से बात हुई थी और मैच से पहले अली हमारी बैटिंग क्लैप्स कर गई और फिर हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, तो मुझे मेरे नजदीक वो जो मैच है ना वो मुझे बहुत बुरा लगता यार मुझे ना वो लगता है न्यूजीलैंड में जब हम चौथा वनडे हारे थे, है। ओ अच्छा, हम जीते जीते वो वो जो फहीमा आके निकाल गया था वही मैच वही हाँ यार उसने वो इनिंग बहुत क्योंकि अच्छा खेला हम था शदाब। जिस तरह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेपुटेशन बनी हुई थी, चैंपियन ट्रॉफी जीते हुए थे, उसके बाद वो सीरीज जिस तरह हारे तो उस टाइम मुझे हाँ बड़ा दुख हुआ। जी, शेडी ताबाई के बारे में कुछ कोई वर्ड
यार अताबई के बारे में क्या लेजेंड बोलूं। लेजेंड अताबई यार ही मेड मी, और मेरे नजदीक उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। मेरे बड़े भाई हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और क्या बताऊं यार, मेरे पास उनके लिए वर्ड नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ बता सकूं। बट ही इज माई ब्रदर एंड ही इज मेड मी, यही बोलूंगा। उर्दू तो आप दोनों को शदाब, सूट नहीं करती, अच्छा चलें, हसन जिसको करती है जट। वो हाँ बोले भाई। हाँ जाट साहब आप बोल रहे हैं यार, आपको अगर उर्दू सूट करती है तो से समथिंग अबाउट कोहली, विराट कोहली, ही इज अ गुड कैप्टन एंड वेरी गुड बैट्समैन, लेज लेज। हसन शायद योर अफरीदी व्यू के बारे अबाउट में बताएं। शाह, शायद भाई शाहिद खान अफरीदी, वन एंड ओनली शाहिद खान अफरीदी, इन जैसा कोई नहीं आ सकता आई थिंक। और जिस तरह वो इन दोनों काम कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए, माशाल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनको और तौफीक दे, और इसी तरह अपनी जो फाउंडेशन है उसको आगे लेके चले। और हमारी दुआएं, पूरे पाकिस्तान की दुआएं उनके साथ हैं। और अगर क्रिकेट में आप पूछेंगे तो उन आई थिंक उनका कोई सानी नहीं है। वो जिस तरह वो आते हैं खेलते हैं, और अभी तक यार शाडी देख, अभी तक वो खेल रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल उस माशाल्लाह। वो उन्होंने एक बूढ़े छक्का मारा बूढ़े था नहीं होते हमारे हैं। अगेंस्ट, फिट बहुत है यार। अभी मैं देख रहा था उनकी वीडियो, हैकिंग कर रहे हैं वो उस इलाके में। हाँ उधर बांग्लादेश में हम मैं और शायद भी इकट्ठे थे ना, शायद भी ट्रेनिंग हाँ करते थे जिम में। मैं उनके साथ जाता था ट्रेनिंग करने, फिर मुझे शर्म आ जाती थी कि वो मेरे से ज्यादा कर रहे थे। फिर मैंने टाइमिंग चेंज कर ली, मैंने कहा शायद भी मुझे ना, मैंने कहा चलिए, शायद भी एक अच्छा नहीं क्वेश्चन लग। है, एक यस क्वेश्चन है, विराट और बाबर, पहले तुम आंसर दो फिर मैं देता हूं। अभी देखा जाए तो अभी ना बाबर है। बट देखो बाबर, अगर हाँ नो डाउट ओवरऑल ही रिकॉर्ड देखो तो विराट कोहली, लेकिन अभी बट जो जिस बट बट ये भी तो है ना कि अभी तो बाबर उतने मैच नहीं खेला है, और विराट हाँ तो ये ऑलरेडी। है, बट लेकिन ये इनका है ना कि बनता दोनों नहीं। की, मुझे ना हाँ मुझे मुझे विराट और रोहित शर्मा का कंपैरिजन ज्यादा बेहतर अभी लगता है, क्योंकि अभी वो भी इतने मैच ही नहीं खेले उसके। बट आई थिंक बाबर जो है ना, वो जिस तरह खेल रहा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको बुरी नजर से बचाए, वो बहुत रिकॉर्ड तोड़ेगा, और इंशाल्लाह वो विराट कोहली से भी बड़ा प्लेयर होगा। इंशाल्लाह शेडी आप येलो में बहुत अच्छे अल्लाह लग रहे ताला हो। उसको सेहत रखे और इसी तरह परफॉर्म कराता रहे। नहीं, ये ना स्ट्रॉन्ग ये लो, मैंने रेड पहना और तुमने येलो पहना, इनको यही अफरीदी नहीं का था पता नंबर कि ये बताओ हमारा प्लान था। शायद भी। दस नंबर, हाँ शायद शायद भी का नंबर बताओ, दस शूज का बता दे। 11 11 है राहुल और बाबर, बाबर जी बाबर। गैरी संधू की बर्थडे है और मैंने इसको विश कर दिया हुआ गहरी संदूक जी। फलक भाई बताएं क्या मसला है आपको। उनकी कोई ड्रामेबाजी होगी। हाँ जी, शैडी और जुनेजा इन फील्डिंग, शदाब खान ओह थैंक यू थैंक यू। से समथिंग अबाउट शहनशाह अफरीदी। यार लोग बोल रहे हैं कि आपकी इंसल्ट हो रही है, तो आपकी इज्जत हमने की कब है फलक भाई। आमिर और वहाब, अच्छा आमिर और वहाब, आमिर भाई इज अ डिफरेंट बॉलर है, वहाब भाई डिफरेंट। आमिर भाई नए बॉल के साथ बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, और वहाब भाई का जो रोल है वो अलग है, और दोनों डिफरेंट हैं, और दोनों बहुत अच्छे बॉलर हैं, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत सर्व किया और अभी कर भी रहे हैं। और आई थिंक क्यों शाडी, आमिर भाई और वहाब भाई नहीं उनका कंपैरिजन ही नहीं बनता, कंपटीशन क्योंकि में, वो हाँ डिफरेंट है, डिफरेंट है, जी। दोनों बहुत डिफरेंट है। वो कोई इंडिया से पूछ रहा, ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, कौन सा फेवरेट ड्रामा है जी। कहाँ के, नसीम और शहीन नसीम और शाइन,
दोनों यंग हैं और नसीम शाह के पास पेस है, और नसीम शाह भी आ रहा है और आते ही उसने माशाल्लाह परफॉर्म किया है, और आई थिंक वो भी दोनों थोड़े डिफरेंट है। करता है तो दोनों यंग हैं और दोनों पाकिस्तान का हिस्सा है, और दोनों इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम को आगे लेके जाएंगे फखर भाई या शर्जील भाई? दोनों दोनों क्या? हाँ जी दोनों राशिद भाई कैसे हैं? राशिद खान साहेब, शादी आई एम योर फैन। आई एम ऑल्सो योर ब्रदर। यार मुझे आप गुगलीस कहते नहीं हो, इधर आके फैन फैन लगे हो। शादी बाबर आजम और हैदर अली, ऑब्वियसली बाबर आजम। यार ये कंपैरिजन ही बनता ना यार, ये कंपैरिजन हम लोग ना बहुत जल्दी ना चेंज कर लेते हैं यार अपना ओपिनियन, एक दो परफॉर्मेंस के बाद सबके लिए, जितने भी हम सब लोग पाकिस्तानी लोग हैं। अब ठीक है, वी होप कि आप कोरोना से बचे होंगे। संगे संगे अल्हम्दुलिल्लाह। और पठानों को कोरोना नहीं होता, कोरोना 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 बचा इससे। पठानों को कोरोना नहीं होता, शदाब, आप शिदाब शदाब और ये कोहली आपके लिए, ऑब्वियसली शिदाब यार। ऑब्वियसली शदाब। अच्छा ये हाँ बताओ, अच्छा बेटा एक रुको, क्वेश्चन आया, शदाब ये आपके लिए, हसन अली और बाबर आजम? हसन अली और बाबर आजम हाँ क्रिकेटर। जी राशिद भाई, हम लोग घर पे हैं और आप भी जो है ना वो घर में रहें, स्टे होम और स्टे सेफ, और होप कि आपकी फैमिली भी ठीक होगी और उनकी भी टेक केयर करें। हाँ लाला संगे जोड़े पख पले दे, लाला आप भी पकपले घर में रहें, घर में रहें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सेहत और तंदुरुस्ती हमेशा रख। फखर या यो यो? फकरिया यो। यार नहीं दोनों हमें हमारे यार हैं यार, सिलेक्टर बना रहे हैं यार। शदाब और सुंदर। अब बताओ। शिदाब और सुंदस, ये कौन सा कंपैरिजन है? पहले भी छली वाले बंद है यार, मेरी फेवरेट डिश बंद होगी। हाँ भाई आपके साथ लूडो खेलते हैं। शिदाब और राशिद, बॉलिंग में राशिद। रोनाल्डो या मेसी? रोनाल्डो। रोनाल्डो। यो हसन साहब घंटा हो गया पता ही नहीं चला। शैडी, शदाब और सामिया दोनों। ऑब्वियसली दोनों मेरी सियासी मेरी वाइफ प्यार। ही होगी ना। मेरी वाइफ ही होगी बेटा, वाइफ का नाम ले रहा हूँ। हाँ तमूर गर्म मिर्जा और होगी खुरम उसकी चकवाल। बंदी। तमूर मिर्जा। अफरीदी आमिर या भाई शदाब? या अजहर अफरीदी। हारिस अशरफ और नसीम शाह दोनों? इस्लाम भाई यूनाइटेड के देखा फैन, इंग्लैंड में भी है, पाकिस्तान में कोई नहीं है लेकिन इंग्लैंड में है। आई थिंक पेशावर जलमी के सबसे ज्यादा फैन है। हाँ सारे पठान है ना, पिंडी और शदाब, मियां वाली, मलक मियां मलक भाई और मियां हफीज वाली भाई दोनों। हफीज भाई ऊपर वाले नंबरों पे खेलते थे और शुएब भाई नीचे वाले नंबरों पे, और दोनों ग्रेट प्लेयर है, हमारे लेजेंड है दोनों। बिल्कुल ऐसी है। वालेकुम सलाम फ्रॉम यूके। यार ये सारे कंपैरिजन करने लग गए। अच्छा
तो दो ना, ट्रेंट बुल्ट और माइक मिचल स्टार्क। सही, जल्दी बता, ट्रेंट बुल्ट किसका, और कौन मिचल कौन? स्टार्क। मिचल स्टार्क ट्रेंट बोल्ट, मेरे लिए, मिचल ट्रेंट बोल्ट, मिचल ट्रेंट बोल्ट, स्टार्क, मिचल स्टार्क। और कौन है? कामी भाई या सैफी भाई? कामी भाई या सैफी भाई? यार कामी भाई काफी देर से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन जिस तरह वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और PSL वो 3-4 साल से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और बिल्कुल उनको चांस मिलना चाहिए। और जो पाकिस्तान टीम के जो रूल और रेगुलेशन है उनको अगर वो पूरा उतरते हैं, और उनको बिल्कुल टीम में होना चाहिए। और देखो दोनों की जो है ना सर्विस है पाकिस्तान के लिए, और आई थिंक मेरे ख्याल से कंपैरिजन नहीं बनता। और अगर आप कप्तानी का पूछेंगे तो सैफी भाई। बिल्कुल भाई आप, अच्छा शेडी कोई बोला किसी और टॉपिक पर बात करें, जी बताइए, आप बताएं किस टॉपिक पर बात करनी है। वालेकुम सलाम, इंडिया से ना, सलाम आया था। किसका, मेरे? नहीं, ये वैसे ही आ जाएगा। और ना वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारे कोच है यार, बेस्ट फ्रेंड। ये वैसे ही आ जाएगा इंशाल्लाह, फिट हो गया। ये इंजरी की वजह से बाहर हुआ था, अब माशाल्लाह फिट हो गया, तो बस वापस आ जाएंगे। शिदाब थोड़ी सराइकी में बात करो यार, कमर कमर मुशानी मुशानी या जलंधम लंडा? आफ्ताब से, कमर मुशानी जी, टिप्स चाहिए जी फास्ट बॉलिंग के लिए लड़के को। क्रिकेटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी लगन चाहिए उसके लिए, और कभी भागना नहीं है मेहनत करने से, और इंशाल्लाह आप क्रिकेटर बन जाओगे। अच्छा क्या चाहिए शेडी आपको?